वचनों को अंकुरित करना बहुत ही आसान प्रक्रिया है। इसको आप कभी भी और किसी भी समय अंकुरित कर सकते हैं। बस इसका ये जो प्रोसेस होता है ये लगभग 24 घंटे का होता है। अंकुरित चने हमारी सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं और इसके अनेकों फायदे हैं। अंकुरित चने प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत है। तो आज हम देखेंगे कि चनों को अंकुरित कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने एक कटोरी काले छोले लिए हैं, इसे काला चना भी कहते हैं। इसको 2-3 पानी से अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद मैं इसको लगभग 12 घंटे के लिए पानी में भिगो करके रख दूंगी। अच्छा होगा कि हम इसे रात को ही पानी में भिगो के रख दें। तो चलिए इसको भिगो देते हैं। तो लगभग 12 घंटे हो चुके हैं और चने पानी में फूल करके इस तरीके से हो गए हैं। अब हम एक कोई भी कॉटन या सूती का कपड़ा लेंगे और इस पानी को पूरा छान करके सिर्फ चनों को उस गीले कपड़े में लपेट के 12 घंटे के लिए फिर से रख देंगे। तो अब हम यहाँ पे एक बाउल ले लेंगे, एक कॉटन का या सूती कपड़ा ले लें, हम उसको इस तरीके से हम रखेंगे, गैप करेंगे इसमें और अपने इस भिगोए हुए चनों को हम इसमें छानेंगे। इसको फोल्ड कर देंगे हम अच्छे से। इस पानी को हम निकाल देंगे, हटा देंगे और हम इसी बाउल में इसको इस तरीके से फोल्ड करके फिर से 12 घंटों के लिए रख देंगे। चनों को रखे हुए 12-13 घंटे हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें चेक कर लेते हैं। मैंने इनको फ्रिज में ही रख दिया था। चने हमारे बहुत अच्छे से अंकुरित हो चुके हैं। इसका आप स्प्राउट बना के, सैलड बना के खा सकते हैं। ये बहुत ही पौष्टिक होता है और हेल्दी भी। देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये अंकुरित हुए हैं। आप इस तरीके से मोठ की दाल और मूंग की दाल और भी अनाज को अंकुरित कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद। आप इससे सैलड बना सकते हैं और इसको ऐसे भी खाया जाता है। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत लाभकारी होते हैं, प्रोटीन से भरपूर है ये अंकुरित चना।